तो चलिए आज सीखते हैं मंडाला के सेंटर्स। मंडाला शुरू करने के लिए एक हमें सुंदर सेंटर की जरूरत होती है, जिसके लिए हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं। तो कुछ बेसिक पैटर्न्स जो हम मंडाला के सेंटर में डालते हैं, सेंटर बनाने के लिए ग्रिड्स में आप समझ चुके हैं किस हिसाब से हमारी लाइंस चलती है, उन्हीं ग्रिड्स के अराउंड हमने पैटर्न क्रिएट करना है। पहला पैटर्न है, हमें जस्ट फ्लोरल लीफ से क्लोज करना है। इस सेंटर में हमारे पास 6 डायगोनल लाइंस हैं, तो बस हमें एक डायगोनल लाइन के अंदर 2 पेटल लीव्स देनी है, लाइक दिस। और हमारे पास ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा, इन ट्रायंगल्स को हम डार्क कर देंगे। सबसे ज्यादा नॉर्मली यही पैटर्न मिडिल में यूज होता है मंडाला के। लाइक दिस। सेकेंड पैटर्न के अंदर हम एक सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल और क्रिएट करेंगे और इसके अंदर वही 6 लाइंस खींचेंगे अपनी। इसके बाद हर लाइन को ट्रायंगल में जोड़ना है। तो ये 6 लाइंस हमारी बड़ी हो गई, लाइक दिस। अब हर पैटर्न को हमें डायगोनली ट्रायंगल से जोड़ना है, लाइक दिस। और ये जो इसके अंदर बच जाएगा उसको हमें डार्क कर देना है, लाइक दिस। एक ही डायरेक्शन में डार्क करें। इसके अंदर आप चाहें तो डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं। एक आपका सेंटर ये बन गया। नेक्स्ट सेंटर के लिए जो आपके 6 हैं, इसमें आप राउंडेड लीव देंगे, एक पैटर्न में एक लीव, लाइक दिस। बनाने के लिए आप ऐसे, जैसे आपका ये ट्रायंगल है, बीच में एक डॉट है, सेंटर से हम लोगों को इसको जोड़ना है इस तरीके से। ये जो ट्रायंगल बच जाएंगे, इसमें एक और छोटा ट्रायंगल बनाकर उसको डार्क करेंगे। आप पूरा ट्रायंगल भी डार्क कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सुंदर आपका छोटा ट्रायंगल लगेगा जिस तरीके से हम कर रहे हैं। और ये जो फ्लावर है, इसमें आप शेडिंग कर सकते हैं। लाइक दिस। नेक्स्ट पैटर्न के लिए सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, सेंटर से सेमी सर्कल बनाया, लाइक दिस। इस सेमी सर्कल जहां पे जॉइंट हो रहा है,
टूवर्ड्स द मेन सेंटर हमने लीव बनाई लाइक दिस। अब जहां पे इनके पॉइंट्स आ रहे हैं वहां से एक और सर्कल बनाया और उसको डार्क कर लिया। इस सेमी सर्कल में एक छोटा सेमी सर्कल और बनाया और उसको डार्क कर दिया लाइक दिस। इसमें ये जो लीफ बनाई है इसको भी आप डार्क कर देंगे। Like this. Now turn on our next pattern. हमें जो चार लाइनें हैं उसके सेंटर में से एक बड़ी लीफ लेनी है, तो हमारी चार बड़ी लीव्स आ जाएंगी लाइक दिस। ये जो बचेगा उसको हम राउंड करके डार्क कर देंगे लाइक दिस। अब इस बीच वाले हिस्से में एक सर्कुलर रिंग बनानी है। सर्कुलर रिंग में दो लूप लेने की कोशिश करें और फिर एक कर्व लाइन इसके बीच वाले गैप में डाल देनी है लाइक दिस। ये जो लीव्स है इसमें हम शेडिंग इफेक्ट दे देंगे लाइक। नाउ नेक्स्ट में चार लाइंस ली, सर्कुलर रिंग बनाई वन एंड से इसके बीच में और एक लूप, लूप को डार्क, ट्राइंगल को जो बच जाएगा वो डार्क। सेंटर से मिलनी चाहिए ये सर्कुलर रिंग लाइक दिस। एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, एक लूप बनाएंगे जिसको हम डार्क कर देंगे और साइड में भी जो ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे उनको भी आप डार्क कर दें इसके सेंटर को। आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो एक छोटा सा राउंड भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न के अंदर हम अपनी 6 सेंटर लाइंस खींच लेंगे। इसके अंदर हमें डायगनली रफ में एक आइडिया लगाइएगा, एक सर्कल को पॉइंट कर लीजिएगा लाइक दिस। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट से करता हुआ एक रिंग क्रिएट करना है लाइक दिस। ऊपर से लेंगे, पॉइंट को जोड़ेंगे और रिंग ऊपर से लेकर पॉइंट को जोड़ते हुए रिंग लाइक दिस। डायगनल लाइंस डालेंगे, जो डायगनल लाइंस आ रही हैं डबल कर देंगे उनको और ये वाले हिस्से को हम डार्क कर देंगे इसमें। पूरे हिस्से को नहीं करेंगे, लाइन खींचने के बाद जो छोटा वाला हमारे पास ट्रायंगल बचेगा उसको हम डार्क करेंगे। कुछ इस तरह